Hello friends, dear students. So we have a next topic, that is equipotential surface. It is most important topic which is based on electric potential, जो हमारे पास electric potential पर based है. तो equipotential surface कौन सी surface होती है, सबसे पहले हम इस पर discuss करेंगे. उसके बाद हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पर जाएंगे. इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट काइंड ऑफ सरफेस ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट. इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास एक ऐसी सरफेस होती है जिस सरफेस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर आपको जो मिलेगा वो सेम मिलेगा किसी भी पॉइंट. तो देखिए यहां पर हमारे पास सबसे पहले मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया है जो हमारे पास यहां पर सेंटर में है. ये पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्जेस की वजह से मैंने जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, देखिए मैंने इक्विपोटेंशियल सर्फेस ड्रॉ की है जो स्फेरिकल फॉर्म में होंगे, थ्री डायमेंशनल फिगर्स में होंगे. जैसे हमारे पास बॉल होता है, बॉल के सेंटर में हम चार्ज को रखेंगे, तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगी, जैसे हमारे पास उस बॉल की सरफेस होती है स्फेरिकल फॉर्म में, वैसे ही हमारे पास उस चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी. जो आपके पास चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज होगा. तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो बनती है वो स्फेरिकल फॉर्म में बनती है, जो यहां पर रिप्रेजेंट किए हैं मैंने बहुत सारे, समझे आप. तो यही मैंने लिखा, इट इज अ सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम. देखिए कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेंगे, जैसे ये वाली ले रहे होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस क्यू चार्ज के जो सेंटर में है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे, आप ये वाला पॉइंट ले लेंगे, ये वाला पॉइंट ले लेंगे, यहां पर इसका नाम रखेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे, हम पॉइंट ए पर भी उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, पॉइंट बी पर भी उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अगर यहां पर पॉइंट सी है यहां पर भी उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. हर एक पॉइंट पर, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, उसी को कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो एक सरफेस जो बनती है वो कैसे बनती है, वो स्फेरिकल फॉर्म में बनती है. अगर हमारे पास लीनियर चार्ज होगा, जैसे हमारे पास एक लीनियर चार्ज, जब हमारे पास चार्जेस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लाइन, एक लाइन पर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इसकी वजह से जो एक सरफेस जो सरफेस जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनती है. हमने पीछे पढ़ा है गॉशियन सरफेस में, ऐसे हमारे पास इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सिलेंडर, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर. तो देखिए इसकी वजह से, लाइन चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनती है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनेगी. देखिए इसके किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे, आप ये सरफेस है, किसी भी पॉइंट पर देखोगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मिलेगा इस सरफेस पर वो सेम मिलेगा, हर एक जगह पर सेम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा. किसकी वजह से, इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से. यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होगा, यहां पर भी उतना ही, यहां पर भी उतना ही, हर एक जगह पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मिलेगा आपको वो सेम मिलेगा. तो ये हमारे पास लाइन चार्ज की वजह से हमारे पास एक पोटेंशियल सरफेस बनेगी. देखिए हम इसके बाहर से एक और हमारे पास जो है सिलेंडर, सिलेंडर ड्रॉ कर सकता हूं मैं, वो दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी, और उसके बाद एक और बाहर से हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास जो है वो ड्रॉ होगी बनेगी. तो इसका मतलब देखिए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पर मैं ड्रॉ की हमने इस सिंगल चार्ज पे से, एक दो तीन चार पांच ऐसे हमने ड्रॉ की, तो जितना हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां होगा उतना यहां पर नहीं होगा, उतना यहां पर नहीं होगा, सरफेस पर तो सेम होगा, लेकिन जितना हमारे पास जो अंदर वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उतना बाहर वाले पर नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है
कि हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास होता है वो ड्रॉप हो जाता है पर यूनिट लेंथ अकॉर्डिंग टू द अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये हमारे पास डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। उसके बाद अगर यहां पर हमारे पास 40 वोल्ट होगा, यहां पर 30 वोल्ट, यहां पर 20 वोल्ट, यहां पर 10 वोल्ट, तो ये हमारे पास ड्रॉप होता जाएगा, पोटेंशियल हमारे पास कम होता जाएगा। तो इस टाइप की सर्फेसिस जैसे यहां पर मैंने ड्रॉ की, ये मैंने ड्रॉ की, ये मैंने ड्रॉ की, तो इनकी सरफेस पर, इनकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर यहां पर मैं कह रहा हूं 10 वोल्ट है, तो इसके हर एक पॉइंट पर 10 वोल्ट ही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, नो वर्क हैज टू बी डन, नो वर्क हैज टू बी डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर कोई भी वर्डन नहीं होता है, क्लियर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर कोई भी वर्डन नहीं होता है। नो वर्क हैज टू बी डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे आप, अभी हम प्रूफ इसका निकालेंगे, हम इसका प्रूफ जब हम निकालेंगे हम, तो प्रूफ कैसे आप निकालोगे आप इसका, देखिए, अगर अगर मैं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दो पॉइंट्स ले रहा हूं, मैं ए और बी, दो पॉइंट ले लिए मैंने, अगर मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहा हूं, मैं, हमने एक पॉइंट को, हमने वन यूनिट ऑफ चार्ज को, वन कूलम ऑफ चार्ज को हम कहेंगे हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचाया, तो जितना हमारा वर्डन होता है, वन कूलम ऑफ चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, तो जितना हमारे पास वर्डन होता है वन कूलम ऑफ चार्ज पर, उतना ही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है बी और ए के बीच में। तो यहां पर वी नो दैट, अगर हम कहेंगे वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो किसे होगा, वी ए माइनस वी बी, जब हम वन कूलम ऑफ चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचाएंगे लेंगे हम, तो वो वर्डन किसके कुल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किस होता है, वो वर्डन के कुल होता है, किस होता है, वर्डन के कुल होता है। तो मूव अ वन कॉलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, इसी को होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, किस पर हमने वर्डन करा, वन कॉलम ऑफ चार्ज पर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज इक्वल टू द वर्डन टू मूव अ वन कॉलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, क्लियर हो रहा है आपको। तो यहां पर हमारे पास चार्ज कितना है, वन कॉलम का चार्ज है, टेस्ट चार्ज होता है। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्डन, वन कॉलम ऑफ चार्ज को लिखने कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास वी बी ए हमारे पास आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है, वो वर्डन के कुल आ रहा है पी और ए के बीच। अब यहां पर जब ये हमारे पास आ रहा है, तो यहां पर देखिए हमारे पास जब ऐसा केस आ रहा है आपके पास वी ए माइनस वी बी जो आपके पास आ रहा है वर्डन के कुल आ रहा है, वर्डन फ्रॉम बी टू ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, वी ए का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट ए, वी बी का मतलब होता है पोटेंशियल एट बी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमारे पास ऑल्सो जो हमारे पास डेफिनेशन कहती है वी ए इज इक्वल टू बी बी, डेफिनेशन हमें कहती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होता है हर एक पॉइंट पर सेम होता है, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास बी पर होगा उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पर भी होगा। इसका मतलब
वी ए होगा हमारे पास वी बी के इक्वल। तो यहां पर हमारे पास जब ऐसा होगा तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, मैं जब वी ए इज इक्वल टू वी बी, वी ए माइनस वी बी की जगह पर क्या लिखता हूं मैं, अब वी ए, क्योंकि दोनों इक्वल है, दैट इज इक्वल टू वर्टन। तो वी ए माइनस वी ए हो गया जीरो, जीरो इज इक्वल टू वर्टन। इसका मतलब आपके पास फिर वर्डन आपके पास कितना आ रहा है, वो जीरो के इक्वल आ रहा है। यही तो आपने, इसी का तो प्रूफ निकालना था आपने कि जो हमारे पास वर्डन जो हमारे पास होता है एक ही पोटेंशियल सरफेस पर, जो वर्डन होता है वो किसे होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। क्यों होता है, रीजन मैंने आपको यहां पर बोला कि अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, वो वर्डन के इक्वल होता है, लेकिन हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता है। क्योंकि क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। वी ए जो होगा हमारे पास वो बी बी के इक्वल होगा, इसीलिए वी ए माइनस वी बी जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि वी बी भी हमारे पास वी की ए के ही इक्वल होगा। इसीलिए आपके पास वर्डन जो आया वो जीरो के इक्वल आया। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हुई कि हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी वर्डन नहीं होता है। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट थी, दूसरी प्रॉपर्टी भी आपके आपके पास इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रही है हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर में होती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर में होती है। देखिए यहां पर भी एंगल 90 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है, यहां पर भी 90, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है, यहां पर भी 90, आपको नजर आ रहा है ना। तो ये हमारे पास कह रहा है दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर में होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कह सकते हैं। अब हम इसका भी प्रूफ निकालेंगे। जब हम इसका प्रूफ निकालेंगे, हम वी नो दैट जो हमारे पास वर्डन होता है, स्मॉल वर्डन, अगर हमारे पास स्मॉल वर्डन हम कहेंगे जब वन कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्स फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, तो वो स्मॉल वर्डन किसके इक्वल होता है, वो नेगेटिव ऑफ e.dl के इक्वल होता है। नेगेटिव ऑफ e.dl, e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीएल हुआ हमारे पास, ये हमारे पास है स्मॉल पाथ। जैसे हमारे पास यहां पर हम बात करेंगे, वर्डन हमारे पास बी टू ए हमारे पास आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास क्या होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वैसे होगी। तो अगर इसका छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं मैं, तो ये हमारे पास डीएल होगा, तो डीएल आपके पास ये आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमारे पास। तो वर्डन हमारे पास क्या होता है, हमारा वर्डन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ ई डॉट डीएल के इक्वल होता है। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएल इज द स्मॉल सरफेस, स्मॉल पाथ भी हम कहेंगे या स्मॉल
सरफेस लेंथ भी हम कहेंगे, स्मॉल पाथ हम कहेंगे हम, जिस स्मॉल पाथ पर हमारे पास वन कूलम ऑफ चार्ज पर चार्ज मूव करता है। समझे आप, ये हमारे पास बर्डन जो होता है ना, यह बर्डन, ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल भी होता है। यहां पर डी डब्ल्यू की जगह पर हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए डॉट डी, इसकी कुल होता है। क्लियर हो रहा आपको? तो देखिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारे पास वर्डन की कुल होता है। क्लियर आपको? वर्डन पर यूनिट चार्ज, तो इसीलिए हमारे पास जो है, मैं पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर वर्डन भी लिख सकता हूं मैं, तो वो ई डॉट डी एल के कुल है। अब देखिए, मैंने अभी निकाला, ये हमारे पास एक स्मॉल पाथ है डीएल, जब हमारे पास वन कूलम ऑफ चार्ज इस पाथ पर मूव करेगा, डीएल पर मूव करेगा, तो यहां पर हमारे पास स्मॉल पाथ पर बर्डन कितना होगा, वो भी स्मॉल ही होगा। लेकिन अभी मैंने पहली प्रॉपर्टी में प्रूव किया मैंने कि बर्डन हमारे पास इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नहीं होता है, नो वर्क हैज टू बी डन। इसका मतलब यहां पर डी डब्ल्यू जो होगा वो जीरो होगा, इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएल। समझ आ रहा है आपको? वर्डन हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होता ही नहीं है, इसीलिए मैंने वर्डन की जगह पर जीरो पुट किया। इसका मतलब ई डॉट डीएल आपके पास किसको ला रहा है? जीरो की बुला रहा है। इसका मतलब ई डॉट डीएल जो आपके पास जो आ रहा है, वो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो जीरो की बुला रही है। ई डॉट डीएल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स हमारे पास, इसको ऐसे भी खोल के लिख सकता हूं मैं, E D L cos theta is equal to zero. E D L cos theta is equal to zero. इसका मतलब theta जो हमारे पास है वो एंगल है किसके बीच में? E और D L के बीच में। यहां पर देखिए E और D L के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है। E ऐसे है, D L ऐसे है, तो कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू तभी जाकर तो हमारे पास ईडीएल कॉस का जीरो की इक्वल है। इसका मतलब थीटा की हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू होगी जहां पर हमारे पास जो है ईडीएल कॉस थीटा पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। इसका मतलब यहां पर कॉस 90 होगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो की इक्वल होता है। जीरो को ईडीएल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो हेंस यहां पर कह सकता हूं मैं, यहां पर कह सकता हूं मैं, therefore theta is equal to 90। यहां पर हमारे पास जो है, यहां से हमने ये मालूम किया, यहां से हमें ये फाइंड आउट हुआ कि theta जो हमारे पास वो कितना है, वो 90 डिग्री है। तभी जाकर तो हमारे पास EDL cos theta जो हमारे पास जीरो के बराबर है। theta की जगह पर जब हम 90 पुट करेंगे, cos 90 होता है जीरो के इक्वल, तो तभी जाकर ये पूरा का पूरा जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब हमारे पास theta जो है वो जीरो के इक्वल है। थीटा जो हमारे पास है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो कॉस 90 जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। अब जब मैंने बोला यहां पर थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, अब ये थीटा जो हमारे पास है ये किसके बीच में होता है? ये और डीएल के बीच में होता है। क्लियर हो रहा है आपको? तो अब मैं कह सकता हूं मैं, हेंस थीटा एंगल है ई और डीएल के बीच में। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डीएल क्या है हमारे पास? सरफेस, गॉशियन सरफेस। समझा? गॉशियन नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डीएल जो हमारे पास जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस का छोटा सा टुकड़ा है। समझा? तो मैंने अभी प्रूव किया ई और डीएल के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब मैं कह सकता हूं मैं, हेंस ई इज परपेंडिकुलर ऑन डीएल। अब मैंने क्या कह सकता हूं मैं, देखिए ई ऐसे है, डीएल ऐसे है, ई और डीएल के बीच में एंगल है 90 डिग्री। ये मैंने प्रूफ अभी निकाल के दिया, पहले मेरे पास प्रूफ नहीं था, पहले मैंने सिर्फ आपको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है वो परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर में है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर में है। अब मैंने ये मैथमेटिकली प्रूव करके दिया आपको, क्योंकि वर्डन होता है नेगेटिव ऑफ ई डॉट डीएल के इक्वल, तो वर्डन हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जीरो होता है। इसके मतलब ई डॉट डीएल आपके पास कितना होगा? जीरो होगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल होगा
ईडियल cos थीटा के इक्वल, तो cos थीटा की कौन सी वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, cos थीटा की 90, थीटा की वैल्यू जो होती है cos 90 होता है जीरो के इक्वल, तब जाकर ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। इसका मतलब थीटा आपके पास कितना है 90 डिग्री है, तो ये थीटा हमारे पास किसके बीच में है, एंगल ई और डी के बीच में। तो ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी हमारे पास क्या है, दैट इज हमारे पास है इक्विपोटेंशियल सरफेस का छोटा सा टुकड़ा है। तो यहां से हमने प्रूफ निकाला ई परपेंडिकुलर है डीएल के, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर में। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, समझ में आया होगा आपको, नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हमें समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैं फिर से इसका थोड़ा सा रिव्यू दूंगा मैं आपको। मैं तीसरी प्रॉपर्टी नो टू, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं आपस में नहीं काटती हैं, जैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ये ले रहा हूं मैं, ये एक ले ली मैंने, दूसरी जब भी ड्रॉ करूंगा मैं ये दूसरी हमारे पास है, ये पॉइंट है हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे एक सरफेस ये है, ये सरफेस है ऐसे, दूसरी सरफेस ऐसे है, तो अगर मैं कहूंगा मैं ये एक सरफेस है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका ये पॉइंट है, अगर इस सरफेस की सरफेस, अगर इस सरफेस का ये वाला पॉइंट ले रहा हूं जो यहां पर रिप्रेजेंट किया मैंने, यहां पर बोलूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर में होती है ना, देखिए हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब इस पॉइंट पर इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो दूसरी सरफेस होगी ये वाली ऐसे, तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, बाहर की तरफ, यहां की तरफ। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है आपको मिल रही, इस सरफेस की ऊपर की तरफ, इस सरफेस की इधर की तरफ, प्लेन सरफेस है ना, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि एक पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिले। तो मैंने पहले भी जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो वहां पर मैंने बोला था आपको नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और वहां पर भी मैंने बोला था जब वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट्स पर तो वहां पर हमारे पास दो डायरेक्शन मिलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होता है। यहां पर भी हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही है, एक ये और दूसरी ये, इस सरफेस की ऊपर की तरफ, इस सरफेस की यहां की तरफ, तो दो डायरेक्शन है एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो आपको मिलेंगी वो नहीं मिल सकती हैं, दैट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए हम कहते हैं कभी भी दो एक पोटेंशियल सरफेस जो है वो आपस में नहीं काटती हैं, क्लियर। ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी,
चौथी प्रॉपर्टी हमें कहती है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ड्यूज आस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ड्यूज आस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस जो है ये, इससे हमें यह भी पता चलता है कि किस पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है और कहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिनिमम है। देखिए चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के करीब अगर देखोगे आप तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस जो है वो काफी क्लोज है आपस में, लेकिन जो ही आप चार्ज के दूर जाते हैं तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस जो है आपस में वाइड कर रही है, दूर दूर हो रही है। देखिए यहां पर दूर दूर है, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर्स। इसका मतलब हमारे पास जहां पर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस क्लोज होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, जहां पर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हमारे पास वाइड होती हैं, दूर होती हैं, दूर दूर होती हैं, वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो यही तो हमारे पास है, हम दूर जाएंगे एक पॉइंट चार से, दूर पॉइंट चार से हम दूर चले जाएंगे, हम आर बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम होती जाएगी। देखिए यहां पर मैक्सिमम और आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और यहां पर तो मिनिमम होगी हमारे पास। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सर्फेस से हम ये भी कह सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कहां पर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कहां पर मिनिमम होगी। तो जहां पर हमारे पास क्लोज होंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम, और जहां पर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस वाइड होंगे, दूर दूर होंगे, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस जहां पर वाइड होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम होगी। क्लियर? तो ये हमारे पास था फोर्थ प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर कह सकते हैं हम क्लोजर द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस मैक्सिमम विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वाइडर द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस मिनिमम विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, ना फिफ्थ प्रॉपर्टी अब आपके पास है, ये फोर्थ की फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप कह सकते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप कह सकते हो, फ्रॉम क्लोजर टू वाइडर। इक्विपोटेंशियल सर्फेस से हमें यह भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां की तरफ है। तो जहां पर हमारे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हमारे पास क्लोज होगी वहां से कहां की तरफ होती हैं, जहां पर हमारे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस जो होती हैं वो वाइड होती हैं। तो देखिए यहां पर वाइड, यहां पर क्लोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री की डायरेक्शन है वो क्लोजर टू वाइडर है, ना कि वाइडर टू क्लोजर होगी। देखिए चार्ज के करीब, पॉइंट चार्ज के करीब इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस जो होती है वो क्लोज होती है, लेकिन जो ही आप चार्ज के दूर जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस जो होती है वो वाइड होती है, दूर दूर हो जाती है, वाइड होती है एक दूसरे से।
तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमें यह भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन कहां की तरफ है, तो इनकी डायरेक्शन जो होती है फ्रॉम क्लोजर टू वाइडर, समझे आप, क्लोजर हुआ जहां पर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस क्लोज होती है, कहां की तरफ, जहां पर हमारे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस जो होती है वो वाइड होती है, उससे दूर होती है, क्लियर। तो ये मैंने आपको बोली जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास किसकी, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस की प्रॉपर्टीज, तो क्लियर है आपको। अब आपको मैं थोड़ा सा, प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हमारी, थोड़ा सा हम ड्रा करेंगे। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैसे हम ड्रा करेंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कैसे हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस को। तो कैसे हम ड्रॉ करते हैं, इसमें जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस जो होती हैं वो एक प्लेन की शेप, ये मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, मैं किनको ड्रॉ कर रहा हूं, मैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस को ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो ये कैसे है, ये ऐसे प्लेन होंगे, एक प्लेन, दूसरा प्लेन, चौथा प्लेन, पांचवा प्लेन, तो ऐसे हमारे पास है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस जो हमारे पास है, दीज आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेस है। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, These are the electric lines of forces, जिनके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है हर एक पॉइंट पर, और डायरेक्शन भी हर एक पॉइंट पर सेम होती है, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैसे ड्रॉ करते हैं, प्लेन की शेप है, जैसे ये पेज हमारे पास ये मैंने प्लेन का ऐसे होगा, ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस है, किसमें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैसे ड्रॉ होती है, क्लियर। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक डायपोल की भी इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस जो है वो ड्रॉ करेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस जब ड्रॉ करेंगे हम, कैसे ड्रॉ होंगी, इन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव मूव करती हैं,
ये जो अभी मैंने ड्रॉ की, मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन एन डबल, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अदर इज नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर देखो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे। यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगी वो बिल्कुल प्लेन पर होगी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने ऐसे ड्रॉ करनी है जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पर जो सेंटर में बनेगी ऐसी बनेगी। इसके बाद जब हम जाएंगे हम फिर ये ऐसे बन दी जाएंगे, यहां के लिए भी ऐसे, इस तरीके से हमारे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे पास यहां पर बन दी जाएंगी। हमारे पास जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हमें बनेंगी किस पर, एक इलेक्ट्रिक डायपोल पर। देखिए हर आपने ये माइंड में रखना है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो बनना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहां पर 90 है, यहां पर भी 90, यहां पर भी 90, यहां पर भी 90, हर एक पॉइंट पर आपको ये होना चाहिए 90। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमारे पास मैंने ड्रॉ की। तो आज आपका ये टॉपिक जो था इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने की, और उसके बाद मैंने आपको ड्रॉ करके दिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ होती हैं और एक इलेक्ट्रिक डायपोल में हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हमारे पास कैसे ड्रॉ होती हैं वो हमने ड्रॉ की। ओके, गुड बाय, थैंक यू।